कैसे हैं आप? वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम मिस रश्मि और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं डिवीजन से। लास्ट टाइम जब हमने देखा था पिछली क्लास में, तो मैंने आपको डिवीजन सिखाया था और मैंने आपको 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी करने को दिया था। ठीक है, आज हम 2.5 के ही बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो सेकेंड क्वेश्चन है डिवाइड एंड चेक योर आंसर, उसका मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगी। बाकी वीडियो पॉज करके बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है 3114276 डिवाइडेड बाय 87। तो मैं अगर देखूं 87 को 4 से, 8 4 से 32 होता है, बट 8 3 से 27 होता है। तो 8 3 से, तो हमारा जो इससे हम करेंगे 7 3 से 21 एंड हमारा जो 8 3 से होता है वो 24 होता है। 25 26 हमने किया तो ये आ गया 261। तो हमारा जो क्वेश्चन का फर्स्ट डिजिट है वो 3 हो गया एंड 261 मैंने यहाँ का सब्ट्रैक्ट किया। 1 में से 1 माइनस पर 0। अब यहाँ पे देखिए हमें इस पे से बोरो करना पड़ेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 11, 11 में से 6 गया 5, कैरी करेंगे 4504। अभी देखिए 87 बिकॉज 8 5 40 होता है, 8 5 40 होता है एंड 8 6 48 होता है। तो मैं 5 से करूंगी क्योंकि 6 से बड़ा आ जाएगा, 7 5 35 एंड 43, 435 आया हमारा, 5 435 सब्ट्रैक्ट किया, अगेन ये 4 हो जाएगा, ये 10, ये 9 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 9 में से 3 गया 6 92। अभी हमारा फिर से अगेन 87, अभी 8 8 64 होता है। ठीक है, तो बट मुझे लगता है वो बड़ा हो जाएगा, तो हम 8 7 सा करेंगे, 7 7 सा 49, 7 8 सा 56, 57 59, 60 609 हो जाएगा ये। और अगर मैं 87 को 7 8 से करूं, 56 एंड 8 8 64 65 60 6 67 60 69, तो ये थोड़ा सा बड़ा बन रहा है हमारा। तो exactly this is the number that we are going to divide, 7 and 6 0 9, ये 8 हो जाएगा, 12 में से 9 दिया 3 एंड 83। ओके, नाउ दिस वुड बी 6 836। सो लेट अस डू इट बाय 9 ओनली, 87 9s आर 7, 9s आर 63 and 7, 8 9s are 72 plus तो 78 होता है। सो मैंने किया 9 से एंड 783, 6 में से 3 गया 3, 13 में से 8 गया आपका बचेगा 5 और ये आपका 70, तो 53 आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशंट हो गया। तो अब आप करेंगे चेकिंग। ठीक है, तो जब हम कर रहे हैं चेकिंग, चेकिंग के अंदर आपने लिखना है डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। दैट मींस डिविडेंड इज 87 इनटू क्वोशंट इज 3579 एंड रिमाइंडर इज 53। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें आप 53 ऐड करिए। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चेक योर आंसर्स। ओके, तो ये आप करते रहिए, ये जब हो जाए उसी के बाद आगे का क्वेश्चन करेंगे, सारे पार्ट खुद करेंगे। डियर कैट्स, प्लीज चेक ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। ओके
Okay, coming on to the next question, divide using the cancellation method and check your answer. So, cancellation method is nothing but division का ही छोटा सा portion है. जैसे 2, 4, 5, 1, 6, 0 divided by 40 है. 1, 0 से cancel out हो जाएगा. And then rest, I'll divide like 4 से divide करना है 2, 4, 5, 1, 6 को. 6 4s are 24, 0 aya 5, 1s are 4, 4 1s are 4, 1 and 1, 4 3s are 12, the 2s are 8, 30 and 6, 9 4s are 36. So this is divided completely. So you will check it by 4 into 6129 plus 0. So aapka answer yahi aayega 24516. So similarly, because yahan par ek 0 extra tha, to maine yahan par bhi ek 0 extra laga diya. So this is very very simple. Once you have understood the normal division, aapko ye wala division bhi bahut easily samajh mein aa jayega. Ab question number 4 pe aa jaiye. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको बोला गया है कि डिवाइड मेंटली. और मेंटली मैंने आपको क्या बताया था कि आप जितने नंबर ऑफ जीरो से डिवाइड करेंगे उतना लास्ट का स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस आपका डिजिट रिमाइंडर बनता जाएगा. एग्जांपल अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, सो एक क्वेश्चन में देख रही हूं 2401389 डिवाइडेड बाय 1000. So these three, because there are three zeros, these three numbers will become the remainder. These are the remainder. Okay. So your quotient will be 2401 and remainder will be 389. Simple. Everybody has understood. I hope you people have understood. Let us move forward. इससे पहले हम व्हाट प्रॉब्लम्स करें और आप लोग आगे की आगे इसको समझिए व्हाट प्रॉब्लम्स को और व्हाट मास रूल को. ठीक है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी कराने जा रही हूं जिसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय एक्टिविटी मेथड. ठीक है, सो इस एक्टिविटी के अंदर व्हाट यू नीड इज यू नीड 4 to 5 कलर्ड पेपर. पेंस, शीट, ग्लू एंड सिजर्स, मे बी कटर, मे बी. ठीक है, देखिए करना क्या है, आपके पास जो भी कलर की शीट है उसको आप ऐसे स्ट्रिप्स में काट दीजिए, लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट दीजिए. ठीक है, सारी कलरफुल स्ट्रिप्स बन जाएंगी आपके पास. ठीक, ऐसे कलरफुल स्ट्रिप्स में काट दीजिए और 10-12 स्टिक्स मतलब कलर ले लीजिए, स्ट्रिप्स ले लीजिए. अब देखिए, अब मैं यहां पे कराने जा रही हूं मल्टीप्लीकेशन. One digit by two digit. Example, अगर मैं देख, so let us now see how we can multiply a two digit number with a two digit number over here. So you can see I have made a grid like this. मैंने क्या किया कि मैंने 12 लिखा, कैसे मेरे tens place पे था 1 और ones place पे थे 2, तो मैंने ones place का दो स्ट्रिप्स और टेंथ प्लेस की एक स्ट्रिप लगा दी, किसी भी कलर की स्ट्रिप लगा लो ब्लू कलर की, तो ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है इस नंबर को. ठीक है, सेकेंडली मैंने रेड स्ट्रिप्स या कोई और कलर, पिंक स्ट्रिप या येलो स्ट्रिप जो भी अवेलेबल है उसमें भी ऐसे ही किया, वंस प्लेस एंड टेंथ प्लेस. नाउ सी, अब मैं इसको काउंट करूंगी कि कितने नंबर ऑफ प्लेसेस पे ये मीट कर रहा है. देखिए ये जो है ये डायगोनल, ये एक दूसरे के साथ लिखे जाएंगे. ठीक है, ये अलग से लिखा जाएगा और ये अलग से लिखा जाएगा. तो मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप
if I say, yeah, starting from the bottom, I can see there are four places where the number is meeting, where the two strips are meeting. चार जगहों पे. तो यहाँ पे मैंने लिखा चार. सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी चार है टोटल, तो यहाँ पर भी चार लिखा. एंड यहाँ सिर्फ एक प्लेस है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 144. ठीक है, तो आपने ये देख लिया, आपने ग्रुपिंग बना ली, आपको समझ आया होगा आई होप. इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं सो दैट यू कैन डू इट इन अ बेटर वे. यहां पर सपोज मेरे पास नंबर है 12 × 13. ओके, 12 × 13. सो अगेन मैं 12 के लिए क्या करूंगी, मैंने 12 के लिए 1 और 2 इस तरीके से मैंने अपना 1 और 2 नंबर को मार्क किया. अब 13 के लिए मैं करूंगी 1 और 1, 2 और 3. ओके, इन द वेरी सिमिलर मैनर आई फोकस ओवर हियर. ये मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. फिर ये मेरा एक पोजीशन आएगी टेंस की 1, 2, 3, 4 और 5 और देन 1. सो द आंसर इज 156. 12 × 13 इज 156. सो आई होप समझ में आया होगा. तो डियर कैट्स, व्हाट यू कैन डू इज आप लोग इनसे 2-3 शीट्स इस तरीके के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की बनवा सकते हैं और उसको क्लास में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी. अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2-digit number विद अ 3-digit number. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2-digit number विद अ 3-digit number. एग्जांपल में 112 × 23 मैंने ले लिया. ठीक है, तो 112 का सबसे पहले मैं नंबर लगाती हूँ 1, टेंथ प्लेस का 1, देन सॉरी 100 प्लेस का 1, 100 टेंथ प्लेस का 1 एंड 1 प्लेस का 2. अब मैं 23 लगाऊंगी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ठीक है, सो 2 और 3. ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बस आप ये देखेंगे कि अब मैं पहले मैंने क्या किया था, बॉटम टू टॉप किया था, अब मैं लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट कर रही हूं. 1, 2, 3, 4, 5 और 6. सो दिस नंबर कंप्राइज ऑफ 6, देन योर नंबर विल बी दिस वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. यहां पर 7 आएगा. Then you have this number 1, 2, 3, 4 और 5 and then finally this number 1 और 2. ठीक है, so this is 2. So now you can see my number will be 2, 5, 7 और 6. Okay, आप normal multiplication करके देखिए और आप देखिए क्या इस activity से आपकी multiplication सही आ रही है कि नहीं आ रही. Fine. So this is how you are going to do the activity. Let's move on. अब हम start करने वाले हैं word problems on multiplication and division. I'll simply start with a few word problems. ठीक है, and you can easily do the word problems. There are 48 chocolate in a box. How many chocolate will be there in 7, 8, 2, 6, 5 box? So number of chocolates in one box 48. Number of boxes, that is 78,265. ठीक है, हाउ मेनी चॉकलेट्स, तो टोटल चॉकलेट्स दैट इज गोइंग टू बी 48 × 7, 8, 2, 6, 5. या आप मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा.
A truck can carry 82 boxes of mango. How many boxes of mango? Same question है, question number 2. Question number 3, product of two number is this, one of the number, find the other. So, question number 1 was this, question number 3. Product of two numbers, so product, you write product. Two numbers is equals to, that is equals to 398652. 398652. Yeah. And then one number is equals to 1434. See, other number निकालने के लिए आप क्या करोगे? देखिए बेटा, मैं कह रही हूँ दो numbers हैं, उनका जो product है वो 12 है, ठीक है? दो numbers का product 12 है, और एक number में से 3 है, तो दूसरा number क्या होगा? तो यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 दूसरा नंबर आ जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करूंगी तो मेरा सेकंड नंबर आ जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो मेरा दिया हुआ है दैट इज दिस, एंड अदर नंबर कैन बी फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग दिस प्रोडक्ट बाय द नंबर first. Understood? Do it and find out your answer. Now, factory manufactures 350 jeans in a day. How many jeans will be manufactured in the year with 365 days? So, simple multiplication hai aapka question number 4. Ki 350 jeans ek din mein tha aur 365 days the. Dono ko multiply aap kijiye aur aapka answer aa jayega. ठीक है, समझ गए? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संजीव अर्न्स रुपीज 1756 इन अ डे, हाउ मच इम ही अर्न्स इन 2 इयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई एम टॉकिंग अबाउट मनी अर्न्ड बाय संजीव इन वन डे इज रुपीज 1756। ठीक है, तो मनी अर्न्ड इन 2 इयर्स। सबसे पहले तो 2 इयर्स में डेज कितने होते हैं? नंबर ऑफ डेज इन 2 इयर्स, 2 × 365 होगा, क्योंकि 365 डेज होते हैं दो एक साल में। इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, सो यू विल गेट लाइक 5 × 10, 6 × 12, 13, 3 × 6, 630। अब उसकी जो अर्निंग है एक दिन की, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज से, तो आपकी टोटल अर्निंग आ जाएगी पूरे के पूरे 2 साल की। अंडरस्टूड? नाउ 23,520 स्वीट्स आर पैक्ड इक्वली 96 बॉक्स, हाउ मेनी स्वीट्स आर पैक्ड इन ईच बॉक्स? सो हियर इन क्वेश्चन नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इज 23,520, ओके 520, एंड टोटल बॉक्सेस इज 96। तो स्वीट इन ईच बॉक्स इज 23,520 डिवाइडेड बाय 96। अब बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ये पता करने में, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है। ठीक है, जब आपसे पूछा गया है टोटल, ठीक है, कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ दिस रिक्वायर्ड, या फाइंड ऑल द थिंग्स, या जब एक के लिए दिया हो और बहुत सारी चीजों के लिए निकालना हो तब मल्टीप्लाई करना होता है, और जब
आपको बहुत सारी चीजों का दिया हो और एक के लिए निकालना हो तब डिवाइड करना होता है, जैसे कि फाइंड स्वीट्स इन ईच बॉक्स या फाइंड द मनी ही अर्न्ड ईच डे। उस केस में पूरे महीने की इनकम दी होगी और हर दिन कितना कमाता है वो आपको पता करना होगा। अंडरस्टूड? नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 7, इफ 387,255 बैग्स ऑफ राइस वर लोडेड इन 165 ट्रक्स, हाउ मेनी बैग्स ऑफ राइस विल बी लोडेड इन 4,407 ट्रक्स। These kind of questions, you do two things, you divide and you multiply. Question number 7, बोला है 387,255, ठीक है, 387,255 bags of rice in how many trucks? 165 trucks. Okay, so bags of rice in one truck kitna hoga? 387,255 / 165. And whatever the answer is, uske baad bags इन 407 ट्रक्स आप निकालेंगे। सो आपका जो भी ये आंसर आएगा उसको आप 407 से मल्टीप्लाई करें। देखा आपने यहां पे आपने क्या किया, यहां पर आपने मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। गॉट इट? बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट दिस? सो यू डिवाइड व्हाट एवर यू आर गिवन, टू थिंग्स आपको दिए हुए हैं तो आप उसको डिवाइड करो इन दोनों को और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर विल बी लाइक क्वेश्चन नंबर 9 इज, लार्जेस्ट नंबर इज 4210 एंड स्मॉलेस्ट इज, बताया था पिछली बार, 1024। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। So this is all from this chapter. I hope you have understood each and everything from multiplication, division, addition and subtraction. एक छोटा सा टॉपिक है आपका बॉडी मास जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। By then I would like you to revise everything you have done till now and then we'll start the next class with the bottom mass rule. See you then. Bye bye.